रोमन गिनती या रोमन नंबर को कैसे लिखें, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों, यहाँ पे केवल आपको रोमन नंबर के जो बेसिक करेक्टर है पहले हमें उनको याद करना पड़ेगा। दोस्तों रोमन नंबर में हम अपना 1 को I के द्वारा लिखते हैं, 5 को V के द्वारा, 10 को X के द्वारा, और उसके बाद आगे आता है आपका 50, उसको L के द्वारा, उसके बाद 100 आता है उसको हम C के द्वारा लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों 500 आता है उसको हम D के द्वारा लिखते हैं, उसके बाद आपका 1000 आता है उसको हम M के द्वारा लिखते हैं। ये बेसिक करेक्टर है, इन पे आपका सारा रोमन नंबर टिका हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अपना शुरुआत करते हैं 1 से। 1 को तो किस से लिख दिया, आई से। उसके बाद 2 को लिखना है, तो देखिए ये जो है इसको हम इसके सम के रूप में लिखेंगे, जो हमें करेक्टर ये दे रखे हैं इनके सम के रूप में कन्वर्ट करना है उसको, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1+1। देखिए 1 के लिए आई, फिर अगेन आई। 3 की बात करें इसको कैसे लिख सकते हैं, 2+1। 2 के लिए देखिए यहाँ पे अभी हमने लिखा है डबल आई, और ये 1 के लिए, फिर आई। 4 की बात करें तो देखिए दोस्तों, यदि आप 4 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 3+1 तो कितना, और फिर आई, मतलब 4 बार आई आ जाएगा। जबकि इसका एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए आप खुद देखकर बताएंगे कि आपको कौन सा सही लग रहा है। 4 को हम 5-1 लिख सकते हैं। देखिए 5 को हम किससे लिखते हैं, V से। जो माइनस करना है वो इसके पहले लिखा जाएगा, किसको करना है, 1 को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे केवल 2 करेक्टर का आपका बन रहा है, जबकि यहाँ पे 4 करेक्टर का बन रहा है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। ये हमारा सही है, ठीक है। 5-1, 5 को V से इसमें से माइनस करना है 1, उसको पहले लिखना है। 5 की बात करें इसको तो V से लिख दिया। 6 की बात करें तो 6 को कैसे लिखेंगे, 5+1। 5 का V और 1 हो रहा है, तो इसको जो ऐड करना है उसको दोस्तों बाद में लिखना है, प्लस वाला बाद में ऐसे समझ लो, माइनस वाला पहले, ठीक है। 7 की बात करें उसके बाद दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 7 को, ऐसे लिखेंगे 5+2। 5 को भी 2 को ये। उसके बाद 8 की बात करें, 5+3। 5 को भी ये आपका 3। उसके बाद 9 में आपका फिर गेम चेंज हो जाएगा, 10-1 आएगा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए फिर। तो यहाँ पर 10-1, 10 को हम x से लिखते हैं, -1, जो माइनस क्या उसको पहले लिखा जाता है, 10x। उसके बाद 11 की बात करें तो 10+1, x i, 10 के लिए x, 1 के लिए i। 12 की बात करें तो 10+2, x 10 के लिए, 2 को हम किसके द्वारा लिखते हैं, डबल i के द्वारा, यहाँ देख लीजिए। 13 की बात करें तो 10+3, उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे 14 की, तो 10+ क्या लिखेंगे, 4। 10 को x, 4 को हमने क्या लिखा, यहाँ देख लो। उसके बाद बात करेंगे 15 की, तो 10+5। 16 के बात करेंगे 10+6, यहाँ पे देखते जाओ साथ साथ में, 6 बोल रहा हूँ मतलब ये लिखूँगा। 17 की बात करें 10+7। 18 की बात करें 10+8। और उसके बाद बात करें हम 19 की, 10+9।
ठीक है। उसके बाद बात करें 20 की, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी डबल एक्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना 1 से लेकर 20 तक का रोमन नंबर लिखा, जो कि आप मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।